मोदी की खुद की डिग्री देख लो, इसके खुद के भाषण है। ये कहता है कि मतलब मैं 8वीं के बाद घर छोड़ के चला गया था। तो ये भी कहते हैं अपने जेब में एक पैसा भी नहीं। कहने से क्या होता है, वो तो पता नहीं 1980 में जब मतलब कैमरा बना भी नहीं था उस टाइम पे वो फोटो खींचते थे। और एक ऐसी डिग्री लेके आए एंटायर बीए इन एमए इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस, जो कि कोर्स ही नहीं है, हमने कोर्स ही नहीं देखा है आज तक। वो किसी भी नुमाइंदे की अगर औकात हो तो पूरी मीडिया के सामने सबके सामने डिबेट करने को तैयार। लेकिन आपकी एक पीढ़ी अगर अनपढ़ रह गई तो वो सदियों तक गुलाम हो जाओगे आप। अशिक्षा गुलामी को पैदा करती है। ये क्या करने लग रहे हैं ऐसे दौर के अंदर भी, जब यूनिवर्सिटियों की अस्पतालों की जरूरत है, मंदिर बनाने लग रहे हैं। मंदिरों से क्या होगा, सरकार को एक बहुत बड़ा मैसेज देंगे ये जो मापन चाहता है यूनिटी का, क्योंकि यहीं पे मुजफ्फरनगर में 2013 में दंगे हुए थे हिंदू मुस्लिम को, उनको डिवाइड करके ये सरकार। इस लोग आज भी भूखे सो रहे हैं, भुखमरी इतनी ज़्यादा। हंगर इंडेक्स के अंदर आप देख लीजिए, जो मीडिया की रैंकिंग देख लीजिए हमारे देश की, और जो फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट क्या कहती है कि पार्शियली फ्री देश है। हिसार हरियाणा से यू कस्टमर। ओके नाइस। मतलब मुझे देख के लग रहा है कि अभी मैंने कई लोगों से बात की लेकिन कहीं कोई युवा सामने आकर अपनी बातों को नहीं रख रहा था, तो एक तरीके से कह सकते हैं अच्छा मैसेज जा रहा है लोगों के लिए। क्या कहेंगे युवा को तो कुचल दिया है ना बिल्कुल बुरी तरह से, एजुकेशन को ख़त्म कर दिया है। आप एकेडमिक फ्रीडम की बात कर लीजिए, जो 2014 से वर्ल्ड एवरेज से ज़्यादा हुआ करते थे, आज वर्ल्ड एवरेज से लोएस्ट है। हर सेक्टर इन्होंने ख़त्म कर दिया, PSUs को इन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया, और अब जो फार्मिंग सेक्टर है, कृषि है, जो देश की रीढ़ की हड्डी है, हर कोई उससे जुड़ा हुआ है। जो रोटी से सिर्फ किसान नहीं जुड़ा हुआ, रोटी हर कोई खाता है, उस हर व्यक्ति को ये कानून इफेक्ट करेंगे। एक एक कानून मैं पॉइंट वाइज बता सकता हूँ। और इस सरकार के किसी भी नुमाइंदे की अगर औकात हो तो पूरी मीडिया के सामने सबके सामने डिबेट करने को तैयार हूँ एक एक फैक्ट पर। किस क्लास में है? बीए सेकेंड ईयर। ओके। अभी जो कोरोना की वजह से जो दो ढाई साल कहने की बच्चों की जो पढ़ाई स्थगित हुई है, उसको लेकर क्या करें? क्या मतलब आपको लगता है कि स्कूल खोलने चाहिए थे नियमों को अपनाकर, या फिर ऐसे ही स्कूल को बंद छोड़ देना चाहिए? नहीं मैडम, देखिए स्ट्रेटजी होती है गवर्नमेंट के पास, इतनी बड़ी इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठते हैं, इतनी एजेंसियाँ हैं, तो एक स्ट्रेटजी बना के चलो। आपका बिजनेस एक साल के लिए ख़त्म हो जाता है, खेती एक साल के लिए ख़त्म हो जाती है, वो दोबारा से उभर सकती है। लेकिन आपकी एक पीढ़ी अगर अनपढ़ रह गई तो वो सदियों तक गुलाम हो जाओगे आप। अशिक्षा गुलामी को पैदा करती है। ये क्या करने लग रहे हैं ऐसे दौर के अंदर भी, जब यूनिवर्सिटियों की अस्पतालों की जरूरत है, मंदिर बनाने लग रहे हैं। मंदिरों से क्या होगा, रोटी मिलेगी? एग्जाम्स भी कैंसिल किए। मेरा खुद का था, हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम वो पेपर लीक हो गया, क्वेश्चन पेपर, क्या कर ले, सभी ख़त्म कर दिए। जॉब सेक्टर के आप देख रहे होगे, कोविड के अंदर नई जॉब्स मिलना तो दूर की बात है, जो गवर्नमेंट कह के आई थी कि हर साल हम 2 करोड़ रोज़गार देंगे। अब पिछले महीने की रिपोर्ट है कि मतलब 16 लाख नौकरियाँ चली गई हैं, नई नौकरियाँ मिलनी तो दूर की बात है। बहुत लोगों को रोज़गार दे रहे हैं शिक्षा में। सिर्फ प्रचारों से कुछ नहीं होता मैडम, ज़मीनी हालात देखिए। ज़मीनी हालात ये है कि मतलब जो कृषि क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा रोज़गार उत्पन्न करता है। अब आप उसके ऊपर अटैक कर रहे हो, उसको प्राइवेटाइज कंपनियों के हवाले करने लग रहे हो, तो देश में बिल्कुल ये जो सिविल वॉर की कंडीशन आने लग रही थी उसको ये सिर्फ और सिर्फ ये जो आंदोलन है ये एक देश को उम्मीद दिखाने लग रहा है कि हाँ लड़ा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने लोगों को तो धर्म के अंदर बांट के और कम्युनिटीज़ के अंदर बांट के, असल मतलब इनका जो कट्टर राष्ट्रवाद था। आपने आप एक तरीके से कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़के हमेशा से आगे बढ़ते हैं? पूरी तरह से करते हैं मैम। जब अंग्रेज़ हमारे ऊपर राज करते थे उस टाइम पर किसकी वजह से राज करते थे, जो मुस्लिम लीग थी और RSS थी। सावरकर जिसको ये आइडियल मानते हैं राष्ट्रवाद का, उसको 60 रुपये पेंशन मिलती थी अंग्रेजों से, जो बड़े बड़े अधिकारियों को नहीं मिलती थी, उसको ये राष्ट्रवाद का प्रतीक मानते हैं। तो आपको ये सोचने की जरूरत है कैसे लोगों को आप अपना प्रतीक मानने लग रहे हो, कैसे लोगों को आप वोट मांगने लग रहे हो, जो हमेशा दंगा करवा के। यहाँ पर भी इस सरकार को एक बहुत बड़ा मैसेज देंगे ये जो मापन चाहता है यूनिटी का, क्योंकि यहीं पर मुजफ्फरनगर में 2013 में दंगे हुए थे हिंदू मुस्लिम को, उनको डिवाइड करके ये सरकार इस कुर्सी पर आई थी। आप ये कह रहे हैं कि जो अंग्रेज ने जो नीति अपनाई थी, फूट डालो और राज करो, ऐसा उन्होंने डिवाइड एंड रूल अपनाया था, ये साथ में डाइवर्ट एंड रूल भी कर रहे हैं। मीडिया के थ्रू आपको मुद्दों से भटकाया जा रहा है, असल मुद्दों पे बात ही नहीं करने दे रहा है। आज आप देख रहे होंगे नेशनल मीडिया के ऊपर दिन रात क्या चल रहा है, अफगानिस्तान, और उसी अफगानिस्तान की सरकार के साथ जिसको टेररिस्ट वगैरह का डायरेक्ट वार्तालाप करने लग रही है हमारी गवर्नमेंट, तो क्या है ये? आप मतलब जिसके भी थोड़ा सा भी लॉजिक दिमाग, 20 करोड़ लोग आज भी
भूखे सो रहे हैं, भुखमरी इतनी ज़्यादा, हंगर इंडेक्स के अंदर आप देख लीजिए, जो मीडिया की रैंकिंग देख लीजिए हमारे देश की, और जो फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट क्या कहती है कि पार्शियली फ्री देश है हम, आंशिक तौर पे गुलाम देश, क्योंकि आज़ादी तो है नहीं ना मीडिया को बोलने की। मैं आपको एक रोकना चाहूँगी, जिस तरीके से आप लोग देखते हैं नेशनल टीवी या फिर सोशल मीडिया को, इस तरीके से आप, मतलब मैं अपने तौर पे कह रही हूँ कि जज नहीं कर सकते कि अगर नेशनल टीवी वो दिखा रही है तो जो सोशल मीडिया पे है, जो यूट्यूब चैनल्स हैं, पोर्टल हैं, वो भी कहीं ना कहीं सच दिखा रहे हैं, छुपा हुआ है लेकिन सच दिखा रहे हैं। देखिए, हर कोई अपने एजेंडे के तहत दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया भी दिखा रहा है, जो उसमें भी बहुत से लोग बैठे हैं जो अपना एजेंडा, अपनी आइडियोलॉजी सेट कर रहे हैं, लेकिन जो न्यूट्रल ज़मीनी हकीकत है ना, वो कहीं नहीं दिखाई जा रही। गरीब मर रहा है, ज़मीनी हकीकत ये है, लोग भूख से मर रहे हैं, लोगों के पास रोज़गार नहीं है। आप बारिश आई है अभी तो आप सड़कों की हालत देख लीजिए, कैसे पानी भरा पड़ा है। ये स्मार्ट सिटी बनाने का जो ऐलान करते हैं, कहाँ पे वो स्मार्ट सिटियाँ? वो गंगा में तैरती हुई लाश से वो स्मार्ट सिटी है क्या? पूरे देश ने देखा है कोरोना के अंदर ऑक्सीजन, सरकार क्या कहती है राज्यसभा के अंदर लिखित में देती है कि एक भी डेथ नहीं हुई है ऑक्सीजन से, और पूरे देश ने देखा है लोग तड़प तड़प के मर रहे थे, और उस यूपी के अंदर, जिस यूपी के अंदर लाशें तैरती हुई, उसको देते हैं कि ये स्मार्ट, नंबर वन स्मार्ट प्रदेश है। गायों के लिए ऑक्सीमीटर वो बनाने लग रहे हैं, मतलब एक पशु के लिए और इंसान का, और पशु का कैसे कंपैरिजन कर सकते हो आप? लास्ट पशु हो सकते हैं। तो ये पागल है ना, पागल अनपढ़ लोग बैठा दिए हमने। मोदी की खुद की डिग्री देख लो, इसके खुद के भाषण है, ये कहता है कि मतलब मैं 8वीं के बाद घर छोड़ के चला गया था, तो ये भी कहते हैं अपने जेब में एक पैसा भी नहीं। कहने से क्या होता है, वो तो पता नहीं 1980 में जब मतलब कैमरा बना भी नहीं था उस टाइम पे वो फोटो खींचते थे, और एक ऐसी डिग्री लेके आए, एंटायर बीए इन एमए इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस, जो कि कोर्स ही नहीं है, हमने कोर्स ही नहीं देखा आज तक वो। मुझे ये बताइए कि जैसे आप युवा हैं, तो एक जो कल महापंचायत है, एक ऐतिहासिक महापंचायत है, तो इससे कुछ सीख मिल रही है कि आगे की जो पीढ़ी होगी वो कितनी ज़्यादा मोटिवेटेड रहेगी? क्योंकि आपको, आपके जैसे लोगों को देख के, लोग, कई सारे लोग आपको देखेंगे वीडियो में, तो कहीं ना कहीं लगता है कि अच्छा मैसेज जाएगा, जो युवा, जो आज के युवा हैं, चाहे वो कोई और भी ये कह लें या ये कह लें, जो युवा हैं आज के, वो कहीं ना कहीं एक तबके में तब्दील हो गए, मतलब कह सकते हैं दबे हुए हैं, आपको क्या लगता है कि अच्छा मैसेज जाए? युवा को सोशल मीडिया का गुलाम बना दिया है, लॉकडाउन हुआ वो घर के अंदर कैद था, बाहर की दुनिया ही भूल गया, उसे बाहर के हालात से मतलब नहीं है, मीडिया दिखाता नहीं है बाहर क्या चल रहा है, वो सिर्फ सोशल मीडिया पे जो आपको पता ही है क्या चल रहा है आजकल, वो उस सब में बिजी है। जब यूथ अगर उठ खड़ा होगा इस देश का, तो जो उन्होंने कहा था संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, जो कहा था कि जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है, तो ये आवारा संसद है, इसको ठिकाने लगाने के लिए इनका सबका यूनाइट होना ज़रूरी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि गांवों के अंदर भी एक कल्चर था खापों का, वो कल्चर ख़त्म हो गया था, इस आंदोलन के बाद उठा है, दोबारा से सारी खापे उठी हैं, किसानों की यूनियन उठ के खड़ी हुई हैं, तो ये बहुत बड़ी जीत है, मतलब सारी कम्युनिटीज़, सारे भेदभाव भूल के लोग अपने असल मुद्दों के ऊपर आए हैं, तो एक ऐतिहासिक जंग है और होने वाली है, भविष्य इसको याद रखेगा। आप मेरी बात लिख के ले लीजिए, आप जर्मनी की हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, हिटलर कैसे आया था, क्या उसने किया था और क्या उसका अंजाम हुआ था, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। आर यू श्योर? यस।